बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। FIU चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर खबर से रहे आप लोग बाखबर और तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहता हूं कि क्या एहतियाती तदाबीर की जाएं उस बीमारी से जो चाइना के अंदर फैली और इस वक्त दुनिया के तकरीबन 51 ममालिक तक पहुंची। यह है कोरोना वायरस, और ये कैसे फैलता है, किस तरह से और क्या एहतियाती तदाबीर करनी है, इसका आपसे जिक्र करना चाहता हूं। एक तो ये कि जो शख्स इससे मुतासर हो जाए, वो जब छींकेगा जो हवा के अंदर उसके छींक के कतरे जाएंगे, या खांसेगा तो हवा के अंदर जो खांसी के कतरे जाएंगे, ये उन्हीं से फैलता है, हवा से नहीं फैलता। हवा से आपको कोई असर नहीं होगा, मगर वो कतरे जब निकलते हैं हवा के अंदर, जब घूमेंगे जितनी देर, वो असर करेंगे। फिर वो कतरे अगर किसी जगह पर गिर जाएं, वहां पर हाथ लगे, हाथ आप अपने कान अपने चेहरे पर लगाएं या नाक पर लगाएं, तो इससे ये जाता है। तो इसका जरिया अंदर बदन में जाने का मुंह और नाक है, लिहाजा जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी इसी से ताल्लुक रखती हैं। अगर एहतियात करने का तरीका यह है कि तो वैसे भी और पता नहीं चलता 5-6 दिन के किसी को ये बीमारी है या नहीं है, तो लिहाजा हर शख्स आजकल वो आम एहतियातें करे जो वैसे भी मुसलमान का तहारत के एतबार से फर्ज है। एक तो ये कि अपने हाथों को वजू के वक्त और उसके अलावा भी दिन में ज्यादा धोएं और साबुन से धोएं, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यह कि जब छींक आए या खांसी आए, तो वैसे भी आप नहीं चाहते कि किसी के मुंह पर छींकें या हवा में ऐसे छींकें, तो सबसे आसान तरीका तो यह है कि अगर हाथ मुंह पर रख लिया जाए, उसके बाद हाथ नहीं तो आस्तीन आगे कर ली जाए, आस्तीन नहीं तो कोई टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर में के अंदर कर लें। तो लिहाजा ये एहतियात करें, और ये आम कर्टसी का ताल्लुक है इस बात से कि इसके अंदर अपने दोस्तों को, वैसे भी अपने रिश्तेदारों को और अपने घर में आप इस किस्म की एहतियातें करते हैं। मैं सिर्फ उसके अंदर एक निशानदेही कर रहा हूं कि इसका एहतमाम आजकल ज्यादा कर लिया जाए। आपको पैनिक करने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घबराते जब लोग हैं जब उनको पता ना हो कि है क्या, और उनको ये पता ना हो कि हुकूमत और इदारे क्या कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो लिहाजा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एहतियाती तदाबीर समझ लीजिए, और इसके अंदर 98% लोग जो हैं उसको सरवाइव भी कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी एहतियात कर लें, जो मैंने आपको तरीके बताए, और दूसरी बात यह है कि जिस जमाने में अगर ज्यादा फैले ये जो कुछ भी हो, तो मजमों से परहेज किया जाए कि मजमों के अंदर एक्सपोजर नहीं हो। तीसरी चीज ये कि जब हाथ आप ज्यादा धोएंगे तो यहां से भी आपको नहीं लगेगा, और मुंह पर नहीं हाथ लगाएं जब तक आप धो ना ले। तो ये चंद चीजें करने की जरूरत है। मुझे बड़ा यकीन है इस बात का कि पाकिस्तानी कौम को अगर इन पता चल जाए कि क्या करना है तो वो करेगी, नंबर एक। नंबर दो, मैं अइम्मा से गुजारिश करता हूं कि वो मसाजिद के अंदर भी इस बात का प्रचार करें, और आप जिस को पता चलता जाए इस बात का प्रचार करें। पाकिस्तानी कौम को अगर पता चल जाएगी, एहतियात कर लेगी, और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हमारी कौम कितनी इस मामले में, जब उसको इल्म हो गया तो उसके बाद एहतियात से उसने ये वबा को बिल्कुल रोक लिया। शुक्रिया।